हेलो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है आप लोगों के लिए। आज हम बात करेंगे टीवी ब्रॉडकास्टिंग, मींस जो सीरियल्स होते हैं वो आपके घरों तक किस तरह आपके पास पहुंचते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो प्रोडक्शन हाउस, मतलब जो सीरियल नेटवर्क्स होते हैं, चैनल नेटवर्क्स जो होते हैं, वो अलग अलग सीरियल्स क्रिएट करते हैं। तो हम अगर एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले हम तारक मेहता की बात करते हैं। जैसे सब जानते हैं तारक मेहता को, तो तारक मेहता जो सीरियल है, तो सबसे पहले तारक मेहता सीरियल जो बनाया जाता है, ये चीज़ जो होती है वो हर दिन के हिसाब से ली जाती है। मैं आपको उसके बारे में आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है आधे घंटा का, देखो आधे घंटे का सीरियल होता है तारक मेहता का, ठीक है। सो आधे घंटे के सीरियल के अंदर कितना वो सीरियल रहेगा और उसके अंदर कितनी एड्स होंगी, तो उसकी एक क्लिप्स जिसको रोल बोलते हैं, वो रोल बनाई जाती है। जो रोल बनाई गई है तारक मेहता की, आधे घंटे की एक रोल बनी है, और रोल के अंदर आपको सीरियल भी है और रोल के अंदर ही आपको एड्स भी हैं। तो वो रोल क्रिएट करने के बाद में चैनल नेटवर्क के पास, चैनल नेटवर्क जैसे सब है, सब टीवी, तो इसका काम जो होता है वो इन सारे सीरियल्स को अपने पास रख के और फुल डे एक पूरा बंच बनाने का काम होता है इनका। कि जैसे मान लीजिए किसी एक दिन में कितने बजे कौन कौन सा सीरियल आएगा, तो वो पूरे दिन का एक बंच बना लेते हैं वो। और इसी तरह से ये चीज़ रूटीन में चलती है कि पूरा बंच किस हिसाब से काम करता है। और रही पैसों की बात, तो जिस प्रकार जो एड रन करवाते हैं, जैसे अलग अलग ब्रांड है, मैगी है, कोलगेट है, और इस तरह की काफ़ी ब्रांड्स हैं जिनकी एड्स आपको टीवी पे देखने को मिलती हैं, तो वो आपको जो सीरियल नेटवर्क है जैसे सब टीवी है, तो उनको वो पैसे देते हैं ताकि वो अपने सीरियल के बीच में उन एड्स को रन करवा सकें, जिससे उनकी भी इनकम हो जाती है और इनका फ़ायदा भी हो जाता है, इनकी पॉपुलरिटी भी बढ़ जाती है। फर्स्ट स्टेप क्या था, टीवी सीरियल का एक रोल बनाया गया आधे घंटे का या एक घंटे का, जो भी सीरियल है उसके हिसाब से आधे घंटे का रोल बनाया गया, उसके अंदर एडिट करके उसके अंदर एड्स पुट की गई। एड पुट करने के बाद में वो जो है सब टीवी, अगर जैसे तारक मेहता की बात करें तो वो सब टीवी के पास में जाता है। सब टीवी क्या करता है, पूरे दिन का बंच बना लेता है जिसके अंदर जितने भी सीरियल्स हैं वो किस हिसाब से सेट होंगे, कितने बजे वो सीरियल रन करेगा, वो सारा करके एक पूरे दिन का बंच बना लेता है। अब सारे सीरियल एक दिन के सेट होने के बाद में अब इसका काम होता है हमारे घरों तक पहुँचा का। घरों तक पहुंचाने के लिए अगर देखिए, अगर सब टीवी अकेला जो है अगर वो घरों तक पहुंचाएगा, तो वो काफ़ी उसके लिए भी कॉस्टली रहेगा और काफ़ी टाइम लग जाएगा इस प्रोसेस को। तो इसके लिए ये यूज़ करते हैं DTH, डायरेक्ट टू होम, इस तरह की आपने सर्विसेज के नाम सुने होंगे, जैसे टाटा स्काई हो गया, वीडियोकॉन, D2H हो गया, एयरटेल टीवी, डिश टीवी। तो इस तरह के जितने भी DTH होते हैं, डायरेक्ट टू होम, ये एक थर्ड पार्टी होती हैं जो डायरेक्ट हमारे होम से कनेक्टेड रहती हैं, राइट। तो जैसे सब टीवी है, सब टीवी के पास पूरे एक दिन का बंच बना हुआ रखा है सीरियल्स का, जिसके अंदर उन्होंने ऐड भी डाले हैं, सीरियल्स भी डाले हैं, एक घंटे का सीरियल भी है, आधे घंटे का सीरियल भी है। तो इस तरह एक दिन का आप उनके पास बंच पड़ा हुआ है। अब वो बंच को DTH है, जैसे टाटा स्काई का एग्जाम्पल लेते हैं, तो वो जो सब टीवी है वो टाटा स्काई को ट्रांसफ़र कर देती है। अब टाटा स्काई के पास में क्या होता है, उनके पास पूरा एक ब्रॉडकास्टिंग रूम रहता है जहाँ पे जितने भी चैनल्स हैं, जैसे सब टीवी ने अपना पूरा एक दिन का शेड्यूल दे दिया उनको, उसी तरह से सोनी टीवी है, सोनी ने अपना पूरा शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया, स्टार प्लस है, इस तरह के अलग अलग जो चैनल्स हैं उन्होंने अपने एक एक दिन का शेड्यूल ट्रांसफ़र कर दिया टाटा स्काई के पास या जितने भी DTH सर्विसेज हैं उनके पास में। तो टाटा स्काई के पास में ब्रॉडकास्टिंग रूम रहता है, वो रूम जो है इसके अंदर आपको सारे चैनल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे स्टार प्लस, सोनी, सब, तो इस तरह के सारे चैनल्स उनके पास। जितने भी DTH ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक जैसे टाटा स्काई है, ये सारे DTH ऑपरेटर अगर खुद की सैटेलाइट लगाएंगे तो इनके लिए कॉस्टली पड़ेगा। तो इन्होंने भी टाइप कर रखा है इसरो से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अगर ये खुद की सैटेलाइट लगाएंगे, खुद पर्सनली अपनी, जैसे टाटा स्काई अगर खुद की सैटेलाइट लगाएगा तो इसके लिए काफ़ी महंगा पड़ेगा, तो इसलिए इन्होंने टाइप कर रखा है इसरो से। ताकि इसरो से क्या है, इन्होंने रेंट पर ले रखी है सैटेलाइट, जैसे इनका कुछ बॉन्डिंग के हिसाब से रहता है कि कितने चैनल्स इनको ब्रॉडकास्ट करने हैं उस हिसाब से। और हर जितने भी DTH हैं, डायरेक्ट टू होम हैं, जैसे वीडियोकॉन हो गया, टाटा स्काई है, एयरटेल है, तो इन्होंने इसरो से अलग अलग सैटेलाइट्स जो है रेंट पे ले रखी हैं। तो टाटा स्काई की तरफ से क्या है, टाटा स्काई क्या करती है, इसरो से टाइप करने के बाद में जितने भी चैनल्स हैं उन चैनल्स को हमारी तरफ ब्रॉडकास्ट करती है। अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ इस पूरी प्रोसेस का कि कैसे हुई, तो सबसे पहले सीरियल्स बनाए गए, जैसे मैंने आपको बताया तारक मेहता का सीरियल बना, सीरियल बनने के बाद उनका रोल्स बनाया जाता है जिसके अंदर एड भी दी गई है। रोल आधे घंटे का जो रोल है वो जाता है चैनल नेटवर्क के पास में, चैनल नेटवर्क जैसे सब टीवी, सब टीवी के पास जैसे तारक मेहता आया है, उसी तरह से अलग अलग चैनल्स, अलग अलग जो सीरियल्स हैं वो आए गए हैं, और फिर वो पूरे एक दिन का बंच बनाता है चैनल नेटवर्क जो है। वो बंच बनाने के बाद में जाता है टाटा स्काई के पास में, और टाटा स्काई जो है सैटेलाइट्स के थ्रू हमारे घरों में ट्रांसफ़र कर देती है। तो इस तरह पूरा प्रोसेस चलता है। सो थैंक यू सो मच।